हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट 3ds-Max सीरीज। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 3ds-Max की सीरीज हम लोग की आने वाली है, तो वो सीरीज आ चुकी है। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे उस सीरीज में अबाउट 3ds-Max फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम लोग 3ds-Max सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जब 3ds-Max या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो क्यों करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज Autodesk 3ds-Max। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि है क्या 3ds-Max। Is a 3D modeling and animation and rendering software built and developed for the games and design visualization। आप बोलेंगे किस तरह के डिजाइंस, तो 3ds-Max के अंदर दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं हम लोग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं हम लोग, अच्छे अच्छे मॉडल्स तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक मैकेनिकल के पार्ट्स कंपोनेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं, उसको एनिमेट कर सकते हैं। फर्दरमोर 3ds-Max हेल्प यूजर क्रिएट मैसिव गेम्स वर्ल्ड, प्रोड्यूस डिटेलिंग कैरेक्टर्स एंड कस्टमाइज बिल्डिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से रोबोटिक्स एंड ये सभी चीज़ें को हम लोग शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हमारे माइंड में दूसरा क्या आता है कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू लर्न 3ds-Max। अगर हम 3ds-Max स्टार्ट करते हैं तो कितने दिनों में सीख सकते हैं 3ds-Max को। तो दोस्तों, हम लोग 3ds-Max को लाइक और डीप में अगर सीखना चाहते हैं तो नियर अबाउट 2 months इसके लिए लगते हैं। 2 months इज इनफ फॉर लर्निंग 3ds-Max। आपको 2 months 1 hour डेली देना पड़ेगा, अपने 1 से 2 hours तो अपने लेवल को डेली देना पड़ेगा। एट द लेवल ऑफ प्रोफेशनल सीख सकते हैं। लाइक हमने जैसे बोला 3ds-Max, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, 3-dimensional स्टूडियो मैक्स। यस, फॉर स्टूडियो एंड डी फॉर डायमेंशनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि इज ब्लेंडर बेटर देन 3ds-Max। ठीक है, तो 3ds-Max हैज बेटर मॉडलिंग rendering, animation, semantics, tools, and it's more flexible and is for customized and scripting. Blender is very capable. Blender is software बहुत capable है. Does the same thing get close but not better. तो मैं बोलूँगा कि 3ds-Max is better than Blender. Next आपके दिमाग में आता है what is the difference between Maya and 3ds-Max. बहुत लोग confused होते हैं कि Maya सीखूँ कि 3ds-Max सीखूँ. तो पहले उनको क्लियर करिए कि माया और 3ds-Max में डिफरेंस क्या है। माया इज अ बेटर एनिमेशन टूल्स, वेयर एज 3ds-Max इज बेटर फॉर मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग एंड मेसिंग मॉडल्स। मॉडल को मिलाने में, मॉडल जनरेट करने में, टेक्सचर लगाने में 3ds-Max इज द बेटर, बट माया इज फॉर एनिमेशन। ठीक है, तो अगर एनिमेशन का वर्क करना है तो यू कैन लर्न 3ds और माया, एंड इफ यू वांट टू लर्न लाइक 3ds-Max फॉर मॉडलिंग, आप सीख सकते हैं मॉडलिंग। दिमाग में आता है व्हाट इज वीरे, लाइक व्हाट इज वीरे फॉर 3ds-Max। अपने वीरे का नाम सुना होगा, वीरे में क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वीरे क्या करता है, एक अच्छे क्वालिटी का रेंडर देता है आपको। ये वीरे आप माया में भी चला सकते हो, मैक्स में भी चला सकते हो, और क्या बोलते, ये एक अच्छे क्वालिटी का वीडियो तैयार करके आपको देता है। इसमें लाइक रियलिस्टिक व्यू आप दिखाना चाहें तो आप वीरे को, तो रियलिस्टिक वीरे एक जस्ट प्लगइन है जो आप 3ds-Max के अंदर ही इंस्टॉल करते हो, जिससे आप रियलिस्टिक व्यू को दिखा सकते हैं। चलिए, ये तो था एक इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट मोर अबाउट 3ds-Max। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग पूरा का पूरा सीरीज सीखने वाले हैं। ये अबाउट 50 और 60 वीडियोस हमारे आने वाले हैं जो आप एक एक करके सीखेंगे। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है और आप सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें लोग 3ds-Max को हम लोग स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग से एंड टॉप तक लेके जाएंगे, मीन्स पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा लगे कोर्स तो आप हमारे बेल आइकन को क्लिक करिए और नोटिफिकेशन को भी क्लिक करिए, सो दैट कि आपको डेली लाइक आपको 9 o'clock ये वीडियो मिल सके। तो जैसे हम लोगों ने 3ds-Max को खोला, देखिए 3ds-Max थोड़ा सा ऐसा सॉफ्टवेयर है कि देखने में थोड़ा लगता है कि क्या है ये, बट बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है। कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 types के व्यूज होते हैं। लाइक इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फ्रंट व्यू होता है, एंड दिस इज योर टॉप व्यू, लेफ्ट एंड पर्सपेक्टिव मीन्स 3D। इस तरीके के 4 views होते हैं, और ये कमांड पैनल होता है जिसके अंदर अलग अलग कमांड्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, और हम लोग इनके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। दिस इज योर रिवन पैलेट, ये रिवन पैलेट होता है, दिस इज योर मिनी बार्स। तो मिनी बार्स के अंदर कई ढेर सारी कमांड्स होती हैं। ये हमारा स्केल बार होता है, और ये हमारा एप्लीकेशन मेनू बार है, और ये क्विक एक्सेस बार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या सबसे पहले हम लोग को सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए 3ds-Max को। आप क्लास 1 से लेके लास्ट क्लास तक पढ़ लीजिए, नियर अबाउट 50 क्लासेस होने वाले हैं इसके। 50 क्लासेस में पूरा का पूरा कम्प्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा। तो
तो सबसे पहले जब कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो सबसे पहले उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट सोचिए कि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई एक मोबाइल फोन बनाना है तो मोबाइल फोन बनाना के लिए क्या होगा, एक रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बोलूँ कि एक बॉटल बनाना है तो बॉटल बनाने के लिए आपको एक सिलेंडर की जरूरत होगी। अगर मैं बोलूँ कि लाइक हमें कोई गुम्बद बनाना है, गुम्बद बनाने के लिए हमको कोई हाफ सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से कुछ बेसिक्स ऑब्जेक्ट होंगे जिनको हम लोग को मॉडिफाई करके ही हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। तो वो बहुत बेसिक ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में, या तो बॉक्स होगा वो, या कोन होगा, या स्फीयर होगा, या जियोस्फीयर, या सिलेंडर, या ट्यूब, या टोरस, या पिरामिड, या टीपॉड, या प्लेन। एक एक करके देखेंगे हम लोग, सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला हमारा क्या है, बॉक्स। सो जस्ट क्लिक ऑन बॉक्स, एंड जैसे आप लोग यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी हियर एक बॉक्स लुक लाइक दिस, एंड यू कैन सी फ्रंट व्यू ऑफ दिस बॉक्स, टॉप व्यू ऑफ दिस बॉक्स, एंड लेफ्ट व्यू ऑफ दिस बॉक्स, एंड पर्सपेक्टिव। एंड अब इसके बीच में अगर कोई मॉडिफिकेशंस करना है तो फॉर मॉडिफिकेशंस द नेसेसरी थिंग इज सेगमेंट्स। इसके बीच में क्या करना होता है, सेगमेंट्स काटना होता है। सो फॉर सेगमेंट जस्ट इंक्रीज फ्रॉम हियर योर सेगमेंट्स लाइक दिस, ओके। And for width segment, you can just click like this. And this is height segment. But यहाँ पे ये सब visible नहीं है. So यहाँ पे कैसे visible हो? For that, just click on perspective. And just click on, perspective. Just click on this option relative, sorry, realistic. And there is an option is edge faces. Just click on edge faces. And you can see here, your boxes are like this. आपके boxes इस तरीके से बन जाएंगे. अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, वो मॉडिफिकेशंस कैसे करने हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले मैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे चलता हूँ, दैट इज कॉल्ड कोन। जस्ट क्लिक ऑन कोन एंड जस्ट ड्रॉ लाइक दिस, एंड जस्ट ऊपर और उसके बाद जितना आपको आउटर या इनर जैसा भी आपको रेडियस चाहिए वैसा रेडियस दे दीजिए। अगर इसको केवल एक व्यू में देखना है, अगर आपको ये छोटा दिख रहा है, तो जस्ट क्लिक ऑन हेयर मिक्समाइज व्यू पोर्ट टॉबल, जस्ट क्लिक हेयर एंड वॉट एवर रेडियस यू वॉन्ट, फॉर रेडियस वन equal to whatever radius you want, for radius 2 you can just do like this, and whatever height you want just be like this. इस तरीके से आप देखिए different different shapes बन सकते हैं, negative direction, positive direction में उसको जो चाहिए वो dimension सब दे दो। यहाँ पर आप direct dimension को put भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है height segment, means अगर हमको height में segment चाहिए तो इनके increase from here like this। कैप सेगमेंट, कैप मीन्स ऊपर जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेगमेंट है ना, कैप सेगमेंट, जस्ट क्लिक ऑन कैप सेगमेंट लाइक दिस। एंड उसके बाद साइड्स, जितना साइड्स लगा देंगे उतनी ज़्यादा देखिए स्मूथनेस आ जाएगी इसके अंदर, और जितना कम साइड्स होगा उतना कम स्मूथनेस होगा, ओके। सो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स देखे रखना चाहिए। और यहाँ पे स्मूथ है, स्मूथ मीन्स होता है कि आपका पूरा पूरा स्मूथ रहेगा। अगर आपने स्मूथनेस हटा दिया इसका तो आप देख सकते हैं इसको कैसे दिखेगा, ये देखिए एजेस एजेस बन जाएंगे, आप देखिए एजेस एजेस। पर जैसे आपने यहाँ पे स्मूथनेस कर दिया ये देखिए एडजस्ट नहीं, ये प्रॉपर स्मूथ से बन जाएगा। आफ्टर दिस इफ यू वांट टू कट दिस, आपको इसको स्लाइस करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन स्लाइस। देखिए स्लाइस के बाद ये किस तरीके से बनेगा, जस्ट क्लिक ऑन स्लाइस लाइक दिस, और ये देखिए इस तरीके से आपके कट से बनते चले जाएंगे। बहुत ईजी, आप चाहते हैं इतना तो बस इतने पर क्लिक कर दीजिए, आप चाहते हैं और तो आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। दिस इज योर फोन। सो अभी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर चलेंगे, दैट इज कॉल्ड स्फीयर। स्पेयर पे क्लिक करके इस तरीके से बनाएंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद जितने साइड जितने सेगमेंट चाहिए उतने सेगमेंट आपको ऐसा क्लिक कर सकते हो। अब स्पेयर आपको हेमी स्पेयर चाहिए, तो अगर आप हेमी स्पेयर चाहिए तो आप इस तरीके से इसको कट कर सकते हो, और कट करके आप देखोगे एल्ट एल्ट एंड माउस की मिडिल बटन दैट इज कॉल्ड पैन प्रेस करना है दोनों को, प्रेस करके आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जैसे आपको नींबू दिखाना है, लेमन या ऑरेंज दिखाना है, तो इसी के कट से तैयार कर, या बाउल बनाना है तो उसको हम लोग ऊपर का सेगमेंट डिलीट कर देंगे तो बाउल बन जाएगा। नाउ आफ्टर दिस देयर इज अ जियोस्फीयर, जस्ट क्लिक ऑन जियोस्फीयर लाइक दिस। इसे देखिए यहां पे ट्रायंगुलर फॉर्म्स होंगे, यहां पे जस्ट आपको क्लिक करना है रेडियस, हाउ मच रेडियस यू वांट, एंड सेगमेंट्स, जितना सेगमेंट काटेंगे जैसा मैंने बोला तो उतना स्मूथनेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। देखिए इसको थोड़ा कम कर दिया, इतना स्मूथ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ऑक्टा कर दिया तो इसमें ऑक्टा बन जाएंगे, देखिए यहाँ पे 8 पैनल्स बन जाएंगे, और यहाँ पे अगर टेट्रा कर दिए तो 3 के पैनल्स बन जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सबके 1 2 3 पैनल्स बन जाएंगे। इसमें भी अगर हेमी स्पेयर आप करना चाहेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हेमी स्पेयर हो जाएगा अपने आप, ठीक है।
और अगर साइड्स बढ़ाना चाहेंगे तो आप फिर से साइड्स को बढ़ा सकते हैं, जितनी साइड बढ़ा दो उतना रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आपको स्पेयर के बाद जियो स्पेयर भी समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर, क्लिक ऑन सिलेंडर एंड जस्ट ड्रॉ लाइक दिस सिलेंडर एंड हाउ मच रेडियस यू वांट जस्ट पुट योर रेडियस एंड हाउ मच हाइट यू वांट जस्ट पुट योर हाइट, हाउ मच हाइट सेगमेंट यू वांट जस्ट पुट हाइट सेगमेंट, हाउ मच कैप सेगमेंट यू वांट जस्ट कैप सेगमेंट एंड साइड्स, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। नाउ देयर इज नेक्स्ट इज ट्यूब, सो जस्ट क्लिक ऑन ट्यूब एंड जस्ट ट्यूब, ये जैसे वेल जैसा से बनाना है तो आप वेल जैसा से इसे बना सकते हैं। जस्ट रेडियस वन इज दिस वन, रेडियस टू इज दिस वन, हाइट इज दिस वन, ठीक है। इसके बाद हाइट सेगमेंट यहाँ पे जितने भी सेगमेंट डालेंगे उतना सेगमेंट बन जाएंगे, जितने कैप सेगमेंट डालेंगे उतने कैप सेगमेंट्स बन जाएंगे, जितने साइड्स बनाएंगे उतना साइड्स बन जाएंगे। वैसे ही स्मूथ और वैसे ही स्लाइस होता है ये भी, इसे आप स्लाइस करना स्टार्ट करेंगे, जितना आपको पार्ट चाहिए उतना पार्ट आप तैयार कर सकते हैं। अगर हाइट से भी नहीं चाहिए स्लाइस तो इसको आप कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद हम लोग के पास आता है टोरस, टोरस पे क्लिक करेंगे और टोरस पे क्लिक करके इस तरीके से आप बना सकते हैं। टोरस टायर का ट्यूब जैसा होता है, इसका जितना भी रेडियस देना है जितने भी साइड्स बनाने हैं आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। रेडियस वन, रेडियस टू, रोटेशन आपको इसको रोटेट करना है इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ट्विस्टिंग करना है तो ट्विस्टिंग बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, सेगमेंट्स बढ़ाने तो सेगमेंट्स बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, स्मूथनेस कर सकते हैं सेगमेंट्स में, और साइड्स बढ़ाएंगे तो इस तरीके से आपको इससे स्मूथनेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है पिरामिड, और पिरामिड पे जाने के बाद यहाँ से पिरामिड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कितनी हाइट देनी है पिरामिड पे हाइट सेट कर दीजिए, विड्थ सेगमेंट और उसके बाद डेप्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट एंड इसके बाद यहाँ पे विड्थ सेगमेंट और डेप्थ सेगमेंट एंड हाइट सेगमेंट इस तरीके से कट्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज टीपॉट, टीपॉट कैसा होता है, टीपॉट डायरेक्ट टीपॉट इसके पास आ जाएगा, एल्ट और मिडिल बटन प्रेस कर देंगे, जितने सेगमेंट्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगा इस टीपॉट में, ठीक है। अब टीपॉट में आपको क्या बॉडी चाहिए, जैसे कि अगर आपको बॉडी नहीं चाहिए जैसे कि कौन बॉडी, हैंडल नहीं चाहिए हैंडल ऐप कर दीजिए, स्पॉट नहीं चाहिए लीड नहीं चाहिए सब ऐप, लीड स्पॉट हैंडल बॉडी इस तरीके से। अब ये आप बोलोगे डायरेक्ट इसमें बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इसलिए बना है जिससे कि आप डायरेक्ट रेंडर कर सको किसी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को दिखा सको। इसके अलावा मॉडलिंग करना है आप खुद से मॉडलिंग करो जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इज प्लेन, जस्ट क्लिक ऑन प्लेन, इस तरीके से प्लेन पर क्लिक किया और इसमें जितने सेगमेंट्स जितने सेगमेंट्स यहाँ दे दो आप, लेंथ और विड्थ यहाँ से दे दो आप, इसके बाद लेंथ सेगमेंट कितने चाहिए वो बढ़ा दो, विड्थ सेगमेंट कितने चाहिए वो बढ़ा दो, और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लायर की जरूरत अभी नहीं है, तो मैं बताऊँगा मल्टीप्लायर का यूज है, ठीक है। डेंसिटी में भी नहीं, डेंसिटी भी आपको आगे बताऊँगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्लेन भी हो गया, बॉक्स हो गया, कोन हो गया, स्फीयर, स्फीयर, ये सारे बेसिक टूल्स हमने पढ़ लिए। इसमें आपको ये बेसिक टूल्स का वीडियो कैसा लगा इसको बताइए, इसके आगे भी हमें अगर कंटिन्यू करना है, अगर आपको सीखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मुझे इसके आगे का भी सीखना है। तो दिस वाज जस्ट अ बेसिक लेवल, और इसमें हमने आपको बताया कि ये सीरीज फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है और आपको एक एक करके आगे की सीरीज भी दी जाएंगी। अब जैसे कि इसमें बेसिक थिंग क्या है कि इसको अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट यहाँ से कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ से आप सीधे डिलीट कर दीजिए, यहाँ पर कौन को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से कौन को डिलीट कर दिया, प्लेन को राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, प्लेन को टोरस को भी राइट क्लिक कर डिलीट कर सकते हैं, टीप को भी राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है सबको डिलीट कर सकते हैं, किसी को मूव करना है उसको क्लिक करिए और यहाँ पर मूव बटन होती है और यहाँ से आप प्रॉपर इसको मूव कर सकते हैं जहाँ भी आपको मूव करना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आपको ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एडिटिंग करना है जस्ट मूव टू मॉडिफाई और सेम एडिटिंग खुल जाएंगे। जैसे कि आपको ऑक्टा चाहिए, हेमिस्फीयर नहीं आपको पूरा स्फीयर चाहिए तो इस तरीके से फुल स्फीयर कर सकते हैं, और इसमें जो भी और अदर सेगमेंट्स आपको बढ़ाने हैं या कम करने हैं आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड आगे की वीडियो के लिए कल का इंतजार करेंगे, कल आपको एक नई वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।